तो दोस्तों पठान मूवी के सुपरहिट होने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान की फैंस बड़ी बेसब्री के साथ जवान मूवी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब मूवी के मेकर्स मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा चुके हैं। अब ये मूवी हमें 16 जून को नहीं बल्कि 7 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। तो इसी न्यूज को सुनने के बाद शाहरुख खान के फैंस ने नाराजगी भी जताई है, लेकिन खुशी की बात यह है कि मेकर्स ने न्यू रिलीज डेट के साथ मूवी का नया पोस्टर और नया लुक भी शेयर किया है, जो कि फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इसी के साथ खबरें आ रही एशली कुमार के डायरेक्शन में बन रही जवान मूवी अमिताभ बच्चन की आखिरी रास्ता और कमल हसन की साउथ मूवी से इंस्पायर्ड है। ये एक रिवेंज स्टोरी होने वाली है, जिसकी कंफर्मेशन भी सोशल मीडिया से बताई जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस मूवी में शाहरुख खान के डबल रोल देखने को मिलने वाले, जिसमें शाहरुख खान फादर और सन का दोनों का ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। वहीं शाहरुख खान के कई लुक्स भी वायरल हुए हैं, जिनमें उनके कई अलग अलग कैरेक्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें मूवी की कास्टिंग की, तो मूवी में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आने वाली है, और इनके अलावा भी कई सारे सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें थालापति विजय, विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन का भी नाम सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, मूवी में हमें शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण भी जबरदस्त आइटम सॉन्ग में देखने को मिलने वाली है। और जिस तरह से मूवी की हाइप सोशल मीडिया पर बनी हुई है, उसे देखने के बाद लग रहा कि ये मूवी 2000 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेगी। अब देखना तो ये होगा कि मूवी के डायरेक्टर एटली कुमार मूवी की कहानी कैसे पेश करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जवान मूवी पठान मूवी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।